विधानसभा चुनाव के पहले झाबुआ जिले में कांग्रेस और भाजपा जनप्रतिनिधियों के बीच बयानबाजी जारी है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर पर जमकर निशाना साधा। क्या उसको वो माफी मांगे विधायक से, ये हमारी उनसे मांग है। और उसी तरह से सांसद ने अधिकारी लेते हुए कितना भ्रष्टाचार किया। उन्हें वहां पर जो मतलब अलियापुर झाबुआ के लिए नल जल योजना, नर्मदा से पानी लाने की योजना बनी थी, उस योजना के लिए नल जल तो आए नहीं, मतलब पहले ही वहाँ पे गुजरात से पाइप खरीद के जगह जगह डलवा दिए। और उस पाइप का कमीशन 600 करोड़ रुपए लिए उसने, कितना 600 करोड़ रुपया उसने कमीशन लिया, और पाइप वो कंपनी है उससे उसने 600 करोड़ ले लिया और पाइप सब दूर डलवा दिए। आज भी पाइप गूड़ते फिर रहे, न कोई गाड़े, न कोई पानी आ रहा है, न कुछ नहीं। इस तरह से धोखा दे रहे इस प्रदेश की झाबुआ और अलियापुर जनता को, महा धोखेबाज है। उसने जिस तरह से भ्रष्टाचार आंख बंद करके करता था सर्विस में लेके, अभी ऐसा ही भ्रष्टाचार अभी भी कर रहा है। तो ये गुमान सिंह डामोर की कहानी है। क्या उसको वो